दोस्तों आरडीएस पे सीएसपी के द्वारा फ्री में आईएमपीएस ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी बैंक अकाउंट में, वो कैसे आज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। यहाँ पे आईएमपीएस के ऑप्शन में क्लिक करना होगा और आपके सामने इस तरीके से डिटेल्स आ जाएगा। सबसे ऊपर आपको अपना आधार नंबर डालना पड़ेगा जिसके नाम से आरडीएस पे सीएसपी है, अमाउंट डालना पड़ेगा और यहाँ पे आपका चार्ज शो हो जाएगा बट चार्ज कटेगा नहीं। आईएमपीएस सिलेक्ट करना होगा, आप अपना बैंक को सिलेक्ट कर लीजिए जो भी बैंक है। यहाँ पे मैं सेंट्रल बैंक सिलेक्ट कर लेता हूँ। जिसके नाम से पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसका नाम टाइप कर लीजिए, मोबाइल नंबर कोई सा भी डाल सकते हैं, अकाउंट नंबर आपको डालना पड़ेगा, री इंटर अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा, आईएफएससी कोड डालना पड़ेगा, री इंटर आईएफएससी कोड डालना पड़ेगा और आपका आईएफएससी कोड यहाँ पर वैलिड कर लेगा। वैलिड होने के बाद यहाँ पे आईएमपीएस ट्रांसफर लिखा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। आईएमपीएस ट्रांसफर पे क्लिक करने के बाद यस के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको अपना फिंगर केवाईसी डालना पड़ेगा, ऑथेंटिकेशन और थोड़ी देर वेट और फाइनली आपका पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा उस अकाउंट में, जो आप यहाँ पे ऊपर आप मैसेज देख सकते हैं। साथ में 50 रुपये आपका बैग भी आ जाएगा।